हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू डब्ल्यू इनफॉर्मेशन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने है वाली हूँ टेंथ क्लास की डेट शीट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दी मेरी ज़्यादातर वीडियोस स्टूडेंट्स के बारे में होंगी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में होंगी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में होंगी स्टूडेंट्स की न्यू अपडेट्स के बारे में जैसा कि डेट शीट के बारे में रिजल्ट के बारे में होंगी ताकि मेरी मज़ीद वीडियोज़ अब तक बसानी पहुँच सकें यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंथ क्लास डेट शीट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एनुअल एग्जामिनेशन फॉर ऑल पंजाब बोर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय पीबीसीसी ऑन ट्वेंटी एट मार्च यानी कि अट्ठाईस मार्च की ये अनाउंस हुई थी टेंटेटिव डेट शीट द मीनिंग ऑफ टेंटेटिव इज दैट स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर फॉर देयर प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दिस्टिड ऑन द डेट शीट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द एनुअल एग्जाम्स फॉर टेंथ क्लास स्टार्ट हो रहे हैं दस मई से दस मई दो हज़ार बाईस से ये स्टार्ट हो रहे हैं एंड द प्रैक्टिकल्स पेपर विल स्टार्ट इन जून मई में ये पेपर्स हो रहे हैं तो जून में प्रैक्टिकल के पेपर होंगे हेयर यू विल बी एबल टू गेट द डेट शीट ऑफ ऑल एफिलिएटेड बोर्ड्स ऑफ पंजाब इंक्लूडिंग द लाहौर बोर्ड इसमें कौन कौन से बोर्ड्स के पेपर हैं वो इन्होंने बताया हुआ है लाहौर बोर्ड के हैं फैसलाबाद बोर्ड के हैं गुजराव वाला बोर्ड मुल्तान बोर्ड रावलपिंडी बोर्ड साहिवाल बोर्ड डी जे खां बोर्ड बहावलपुर बोर्ड एंड सरगोदा बोर्ड ये सारे बोर्ड्स के पेपर के बारे में इन्होंने बताया हुआ तो सबसे पहले दस तारीख को पेपर है पाँचवें महीने यानी कि मई के दस को पेपर है ट्यूजडे मंगल वाले दिन परशियन का सबसे पहला पेपर है अगले दिन ग्यारह तरीक को वेडनसडे इंग्लिश का पेपर है बारह तरीक को पाँचवें मंथ की बारह तरीक को थर्सडे यानी कि जुमेरात को एलिमेंट ऑफ होम यानी कि इकोनॉमिक्स का पेपर होगा तेरह फ्राइडे अरेबिक का पेपर होगा चौदह सैटरडे मैथमेटिक साइंस का और दूसरे यानी कि आर्ट्स वालों का जर्नल मैथमेटिक्स का पेपर होगा पंद्रह को छुट्टी है सोलह को मंडे केमिस्ट्री का पेपर होगा ग्रुप वन वालों को और जनरल साइंस आर्ट्स वालों का मंडे वाले दिन सत्रह को ट्यूसडे पंजाबी का पेपर होगा अट्ठारह को पाँचवा मंथ की यानी कि मई को डे बायोलॉजी ग्रुप वन मतलब के साइंस वालों को बायोलॉजी का पेपर और कंप्यूटर साइंस आर्ट्स वालों का यानी कि कंप्यूटर वालों का होगा इसके बाद थर्सडे उन्नीस तारीख पाँचवें महीने की इस्लामियात ग्रुप वन वालों का और अखलाकियात एथिक्स नॉन मुस्लिमों का होगा बीस को फ्राइडे है इकनॉमिक्स का पेपर होगा इक्कीस फिज़िक्स इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर होगा ग्रुप वन वालों का मतलब फ़िज़िक्स उनका होगा, होगा। साइंस वालों का इस्लामिक स्टडी आर्ट्स वालों का होगा बाईस को दोबारा संडे है हॉलीडे है तेईस मोंडे ये क्या लिखा मैंने मोंडे इन मेरे ख्याल में एम ओ ए एन डी ए वाई अच्छी बात है नेक्स्ट स्पेलिंग आ गई है एनीवे anyway, उर्दू का पेपर है तेईस को चौबीस को ट्यूसडे मंगलवार वाले दिन एजुकेशन का पेपर है पच्चीस पाँचवें महीने लास्ट पेपर वेडनेसडे को पाकिस्तान स्टडी वा पाकिस्तान स्टडी पाक स्टडी गुड वर्ड मतलब पाकिस्तान स्टडी एनी वे तो इसका पेपर है यहाँ पे आप देख सकते हैं द मॉर्निंग सेशन पेपर विल स्टार्ट यानी कि सुबह वाला जो सेशन होगा आठ से आठ तीस से स्टार्ट होगा और जो सेकंड वाला है यानी कि शाम इवनिंग वाला है वो एक तीस से स्टार्ट होगा द इवनिंग सेशन पेपर ओन फ्राइडे यानी कि जो इवनिंग है वैसे तो जो मॉर्निंग वाले होते हैं फ्राइडे को भी उनका आठ तीस से शुरू होता है लेकिन जो इवनिंग वाले होते हैं उनका जुमे का इधर उधर हो जाता है इस वजह से जुमे की वजह से तो उनका होगा दो तीस से स्टार्ट पेपर होगा तो यहाँ पे उन्होंने सारा स्केड्यूल वगैरह लिखा हुआ है नीचे टाइम स्केडूल फॉर प्रैक्टिकल पेपर्स लिखा हुआ है उन्होंने टेंथ क्लास का तो ये जब फर्स्ट बैच होंगे उनका आठ तीस से शुरू होगा द सेकेंड बैच होगा वो ग्यारह तीस से शुरू होगा और थर्ड बैच जो होगा वो दो तीस से शुरू होगा मेरी मजीद वीडियो अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा